तो आप सभी का स्वागत है यशोदा के रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूं नई रेसिपी के साथ। तो गैस चालू कर दिया मैंने ये, और कुकर रख दिया गैस पे। तो अब इसमें डालूंगी घी, तो एक भर के चम्मच घी डालती हूँ। जो घी डाल दिया पे लग जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, एक घी डाल दिया मैंने। आधी तले लिया तड़का के लिए, हरी मिर्ची चार पांच आधी आधी काट ली, और एक चम्मच जीरा ये ले लिया। तो ये डाल देती हूँ, तो इन्हें अच्छे से चटकने लगूंगी। तड़का सिक गया, अब डालूंगी गाजर। तो गाजर डाल दी मैंने, इसी में डालूंगी आलू। तो ये आलू डाल दूंगी, मैं डालूंगी मटर। तो ये मटर डालते हैं, इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनने देंगे। जब तक ये दाल धो के लाऊंगी, ये देखिए तीन प्रकार की दाल है, तो इसको धो के लेके आ रही हूँ। दाल मैंने धो ली दाल, और इसे चावल भी धो लिए। दाल चावल धोती हूँ, डाल दूंगी। देखिए दाल डाल दी मैंने, इधर चावल धोए तो चावल भी डाल देंगे। इधर तो टमाटर काटे थे भी डाल दूंगी, इसके साथ में हल्दी है। अब अच्छे से चला दूंगी इसको, बहुत अच्छे से। तो इसको चला दिया, अब इसमें डालूंगी नमक। तो नमक डाल दिया मैंने, डालूंगी पानी जरूरत के हिसाब से। तो मैंने पानी डाल दिया जरूरत के हिसाब से, तो अब देखती हूँ चला दूंगी। ये देखिए, तो पकने दूंगी इसको, बीच बीच में चलाते रहूंगी थोड़ी, तो 2-3 मिनट ऐसे पकते पकते रहेगा। तो बाद में लगाऊंगी ढक्कन, तो सीटी आ जाएगी एक। तो दोस्तों सीटी आ गई कुकर में, मैं सीटी निकाल देती हूँ, फिर ढक्कन खोलूँगी। ये देखिए क्लिक कर दिया। तो दोस्तों मैंने ढक्कन खोल दिया, तो बहुत अच्छे से बनेगी इस तरीके से। खिचड़ी हमारी पक के तैयार है, तो अब लगाते प्लेट। प्लेट लगाएंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया खिचड़ी बन। तो दोस्तों देखिए अब प्लेट लगा रही हूँ मैं, और ऊपर से घी, थोड़ा और घी डाल देते हैं, और एक चम्मच रख दी यहीं पे। तो आप देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी खिचड़ी बन के तैयार है। बहुत दोस्तों बना ली हमने खिचड़ी, तो देखिए आप भी आइए खिचड़ी, मकर संक्रांति की खिचड़ी बनाने, नहाने या आप खाना है तो आप भी आइए दोस्तों, खाइए। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।